दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी हम भिंडी की प्लॉट में हैं, तो आज की वीडियो में हम भिंडी की खेती के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को शेयर करेंगे। वैसे तो आप लोगों को भिंडी की खेती के रिलेटेड बहुत सारे YouTube पर वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को भिंडी की खेती के संबंधित कोई भी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ए टू जेड जानकारी शेयर करेंगे। जैसे कि भिंडी की खेती के लिए सुइटेबल टाइम कौन सा होता है, या फिर हम लोग जमीन को कैसे तैयार कर सकते हैं, या फिर हम लोग कौन कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि किसान भाई जो मेन गलती करता है वो होता है वैरायटी के ऊपर। तो वैरायटी कौन कौन सी कंपनियों का अच्छा होता है, अच्छा पैदावार देता है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ भिंडी की खेती के लिए कौन कौन सी खाद को हम लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि जो भिंडी का पैदावार है वो ज़्यादा मिले, या फिर भिंडी की खेती के लिए कौन सी समय पर कितनी मात्रा में सिंचाई करना चाहिए, या फिर भिंडी की खेती में कौन कौन सी रोग, कौन कौन सी कीटों का प्रकोप होता है। जैसे कि भिंडी की खेती में जो सबसे बड़ी दिक्कत करता है वो होता है सफ़ेद मक्खी, तो उसको क्लियर कैसे करेंगे, यानी कि उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ भिंडी की खेती में कैसे आप लोग ज़्यादा फल फूल ले आ सकते हैं, या फिर भिंडी की खेती के बारे में पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को इसीलिए लास्ट तक देखना है। बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो ले आते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भिंडी की खेती के लिए सबसे जो सुइटेबल टाइम होता है वो कौन सी समय पर होता है, या फिर भिंडी की खेती हम लोग कौन सी समय पर करेंगे ताकि हम लोगों का जो बाजार में रेट मिलेगा वो काफी हाई मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता देते हैं कि भिंडी की खेती एक ऐसा खेती होता है कि ज्यादा धूप ज्यादा गर्मी जब पड़ता है तो उस समय भिंडी का जो फलन होता है वो काफी अच्छा मिलता है। तो इसके लिए आप लोग मार्च अप्रैल महीने के लिए आप लोग बेस्ट सिलेक्शन कर सकते हैं भिंडी की खेती के लिए, या फिर अगर आप लोग जैसे कि जनवरी फरवरी महीने में लगा देते हैं तो आप लोगों को हो सके रेट थोड़ा सा ज़्यादा मिले, लेकिन भिंडी का जो फलन होगा वो थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इस महीने में यानी कि अप्रैल और मई महीने में अगर आप लोग भिंडी की खेती करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को पैदावार मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भिंडी की खेती के लिए जमीन को हम लोग कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए भिंडी की खेती अगर आप लोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को दो बार जुताई करना है। एक तो आप लोग जब बुआई करेंगे उससे लगभग 20 से 25 दिन एक महीना पहले आप लोगों को एक बार पूरे देसी हाल से या फिर हैरो से आप लोगों को पूरे खेत को एक बार मतलब जुताई कर लेना चाहिए, ताकि जो आपका मिट्टी है वो अच्छी तरीके से नीचे तक आप लोगों का भुरभुरा हो जाए। और उसके बाद जैसे आप लोग बुआई करेंगे तो उससे 2 से 3 दिन पहले आप लोगों को रोटावेटर से खेत को एकदम बिल्कुल समतल कर देना चाहिए, और उसके बाद ही आप लोगों को भिंडी का बुआई कर देना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को भिंडी की खेती में जमीन को तैयार कर सकते हैं। आप बात कर लेते हैं दोस्तों भिंडी की खेती में किसान भाई जो सबसे बड़ी दिक्कत की सामना करता है वो होता है वैरायटी सिलेक्शन, क्योंकि वैरायटी तो बाजार में बहुत सारे मिल जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी वैरायटी को हम दुकान से उठा करके बुआई कर देंगे तो बाद में आप लोगों को बहुत सारे नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि भिंडी की जो पैदावार है वो हो सके आप लोगों को कम मिल जाएगा, या फिर भिंडी में जिस वैरायटी को आप लोग सिलेक्शन कर रहे हैं वो वैरायटी में आप लोगों को ज़्यादा रोग बीमारियों का प्रकोप होता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत सारे ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके भिंडी की खेती में आप लोगों को वैरायटी को सिलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि वैरायटी मेन चीज़ होता है। तो हम यहाँ पर जो 5 वैरायटी बताएंगे उसमें से सबसे पहला जो मेरा पसंद है वो होता है एडवेंटा कंपनी का राधिका नाम के एक वैरायटी आता है, जो कि आप लोगों को तो पता होगा बाजार में काफ़ी प्रचलित वैरायटी है। तो इस वैरायटी का एक खासियत ये है कि इसको अगर आप लोग लगाते हैं तो इसमें जितना पैदावार देता है मुझे तो लगता है कि किसी भी वैरायटी इतना पैदावार नहीं देता है। तो इस वैरायटी को आप लोग एक नंबर पे लगा सकते हैं, और अगर ये वैरायटी नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को एक हम यहाँ पर 2 नंबर पे जो वैरायटी बताएंगे वो होता है नॉनगो सीड कंपनी का अंकिता, जो कि उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। अंकिता एक काफ़ी अच्छा वैरायटी है, लगभग सेम राधिका का जैसा ही है, लेकिन इसमें जो पैदावार है वो भी काफ़ी ज़्यादा देता है। हमने इसको मेरा प्लॉट में लगाया है और उसमें पैदावार देखे हैं, तभी आप लोगों को यहाँ पर हम वैरायटी बता रहे हैं। उसके साथ साथ अगर ये भी वैरायटी आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप लोग सिंजेंटा कंपनी का OH-102 नाम के एक वैरायटी आता है, उसको भी लगा सकते हैं। या फिर अगर ये भी वैरायटी आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को बायोसीड कंपनी का आवा नाम पे एक वैरायटी आता है, उसको भी लगा सकते हैं। और अगर ये भी वैरायटी आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप लोग नूजी वीडियोस कंपनी का एक बिंदु नाम का वैरायटी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा वैरायटी है। तो इसमें से आप लोग किसी को एक को लगा सकते हैं, और अगर आप लोगों के उधर कोई भी वैरायटी जो अच्छा प्रचलित है अच्छा पैदावार देते हैं तो उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग दोस्तों वैरायटी को सिलेक्शन करना चाहिए। आप बात कर लेते हैं दोस्तों भिंडी की खेती के लिए आप लोगों को पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस होता है वो कितना रखना चाहिए, या फिर जो रो टू रो डिस्टेंस होता है वो कितना रखना चाहिए। तो किसान भाई ये भी एक गलती करता है
कि जैसे कि भिंडी का जो प्लांट डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा कम कर देता है, जिस वजह से भिंडी का जो पौधा होता है वो अच्छे से ब्रांच नहीं ले पाता है, यानी कि चारों तरफ फैल नहीं पाता है, जिस वजह से भिंडी का जो पौधा होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और लंबा होने के बाद उसमें फलन जो है वो कम लगता है। इस वजह से एक दिक्कत होता है किसान भाई। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। जब प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रख रहे हैं तो उस समय पर आप लोगों को 2 फीट का डिस्टेंस रखना है, और जब रो टू रो डिस्टेंस रख रहे हैं तो उस समय आप लोगों को 3 फीट का डिस्टेंस रखना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग भिंडी का प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखते हैं और रो टू रो डिस्टेंस रखते हैं तो पौधा जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो भी करेगा और उसमें आप लोगों का फल भी ज़्यादा लगेगा। आप बात कर लेते हैं दोस्तों भिंडी की खेती के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि होता है खाद का शेड्यूल, यानी कि भिंडी की खेती के लिए कौन सी समय पर और कौन कौन सी खाद को डालेंगे ताकि पौधा जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो करे और अच्छी तरीके से फल का सेटिंग हो। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं, गोबर की खाद आप लोगों को प्रति एकड़ के हिसाब से 2 ट्रॉली आप लोगों को लेना है और इस तरीके से पूरे खेत के अंदर आप लोगों को बिखेर देना है, और उसके बाद ही आप लोगों को लास्ट टाइम जब रोटावेटर चलाएंगे बुआई करने से 2-3 दिन पहले, तो उस समय पूरे खेत को आप लोगों को समतल कर देना चाहिए। जैसे आप लोग बुआई कर देते हैं भिंडी का बीज को, तो उसके 15 से 20 से 25 दिन के अंदर आप लोगों को फर्स्ट टाइम पर खाद डालना है। अब फर्स्ट टाइम पर हम लोग कौन कौन सी खाद को डालेंगे, तो देखिए फर्स्ट टाइम पर आप लोगों को सबसे पहला खाद जो आप लोगों को लेना है वो होता है NPK, यानी कि 10-26-26 मिलता है। 10-26-26 को आप लोगों को 1 एकड़ के लिए हम यहाँ पर डोज बता रहे हैं। 1 एकड़ में आप लोगों को लगभग 45 से 50 kg 10-26-26 लेना है। उसके साथ साथ यूरिया लेना है आप लोगों को 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ साथ एक चीज आप लोगों को लेना है वो होता है ह्यूमिक एसिड। देखिए इस समय पौधा छोटा रहता है, और पौधे अगर छोटा होगा तो उस समय रूट का डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी होना चाहिए। तो रूट का फैलाव के लिए सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है ह्यूमिक एसिड, और इसीलिए ह्यूमिक एसिड को इस समय अगर 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ में ले लेते हैं और इस तीनों खाद को एक साथ में मिला करके अगर डाल देते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पौधा ग्रो करेगा। और उसके बाद जैसे लगभग पौधा 35 से 40 दिन हो जाएगा तो उस समय पर आप लोगों को सेकेंड खाद डालना है। अब सेकेंड खाद में हम लोग कौन कौन सी खाद को डालेंगे, तो जैसे कि पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि फर्स्ट खाद में आप लोगों को NPK 10-26-26 को लेना है, तो सेकेंड टाइम पर आप लोगों को 10-26-26 को नहीं लेना है। सेकेंड टाइम पर आप लोग DAP खाद को ले सकते हैं। DAP खाद को आप लोगों को 45 से 50 kg, या फिर अगर आप लोगों का खाद का थोड़ा सा कमी है, पौधे ग्रो नहीं करता है, तो आप लोग 60 kg तक भी ले सकते हैं DAP खाद को। 1 एकड़ के लिए यहाँ पर हम जानकारी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ यूरिया खाद को लेना है आप लोगों को 25 से 30 किलोग्राम, और उसके साथ साथ आप लोगों को MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास को लेना है 20 किलोग्राम, और उसके साथ साथ एक चीज और लेना है जो कि होता है सीवीड एक्सट्रैक्ट, जैसे कि उसमें से इफको कंपनी का सागरिका Z++ अगर मिल जाता है तो काफी बढ़िया हो जाता है, उसको लेना है आप लोगों को 1 एकड़ के लिए 10 से 12 किलोग्राम, और इस तीनों चारों खाद को एक साथ में मिला करके आप लोगों को सेकेंड टाइम पर दे देना चाहिए। तो इस समय पर क्योंकि सीवीड एक्सट्रैक्ट हम इसीलिए बताएं कि सीवीड एक्सट्रैक्ट को अगर डालते हैं तो पौधे का ग्रोथ, पौधे में जो फल फूल लगता है वो काफ़ी मिलता है, पौधे का जो कलर होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, हरा भरा रहता है। और इस चारों खाद को सेकंड टाइप पर मिला करके आप लोगों को डाल देना चाहिए और उसके बाद पानी पटा देना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को खाद का सिलेक्शन करना है। आप बात कर लेते हैं दोस्तों भिंडी की खेती के लिए सिंचाई के बारे में, यानी कि पानी की व्यवस्था आप लोगों का बहुत ही जरूरी है कोई भी खेती करने से, लेकिन हो सके भिंडी की खेती में आप लोगों को ज़्यादा पानी का जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी शुरुआती अवस्था में तो भाई पानी का जरूरत खूब पड़ता है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में अगर आप लोग 2 से 3 दिन अंतराल पर पानी नहीं देते हैं तो पौधा का जो स्ट्रेस होता है गर्मी की वजह से वो स्ट्रेस में पड़ जाता है, जिस वजह से पौधे का जो ग्रोथ होता है वो सही से नहीं हो पाता है। इसलिए शुरुआती अवस्था में 2 से 3 दिन अंतराल पर आप लोगों को पानी चला देना चाहिए, और उसके बाद जैसे पौधा बढ़ता चला जाएगा तो हो सके आप लोगों को 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन, या फिर 5 से 6 दिन अंतराल पर भी अगर आप लोग पानी का सिंचाई करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप लोग अपना सिचुएशन के हिसाब से पानी चला दीजिए। आप बात कर लेते हैं दोस्तों एक बहुत ही बड़ा पॉइंट के बारे में, जो कि होता है रोग और कीट का प्रबंधन, यानी कि भिंडी की खेती में तो उतना ज्यादा रोगों का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को हर एक प्रकार की कीटों का प्रकोप आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो भिंडी की खेती में शुरुआती अवस्था में आप लोगों को कोलर रूट या फिर जो डंपिंग ऑफ बोलते हैं वो जो रोग होता है उसका प्रकोप थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा हैवी महंगा दवा का छिड़काव करने का कोई जरूरत नहीं। आप लोग बाजार में रिडोमिल गोल्ड मिलता है, उसको आप लोगों को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देने पर एक ही बार में वो कंट्रोल हो जाता है। और ये दवा अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप लोग रोको को भी ले सकते हैं, जो कि थाइफिनोट मिथाइल कॉम्बिनेशन आता है, उसको भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करने पर एक ही बार में ये नियंत्रण कर देता है।
तो यही रोग होता है भिंडी में, ज्यादातर और रोगों का प्रकोप नहीं होता है। उसके अलावा भिंडी की खेती में जो सबसे ज्यादा परेशान करता है किसानों को वो होता है कीट, और कीट में से सबसे ज्यादा परेशान करता है व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी। तो सफेद मक्खी के बारे में वैसे तो चैनल पर न्यू वीडियो कुछ दिन पहले एक डाल चुके हैं, जो कि आई बटन पर आप लोग लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके डिटेल्स में बता दिए हैं हमने, आप लोग देख सकते हैं। तो व्हाइट फ्लाई का प्रकोप ज्यादातर जब होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर 2-3 दवा बता रहे हैं। इसमें से किसी को एक को छिड़काव कर देने पर व्हाइट फ्लाई एक ही बार में कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि मोवेंटो एनर्जी आता है, उसको आप लोग 20 से 25 ml प्रति 15 से 16 लीटर की टंकी में मिला करके एक ही बार में छिड़काव करने पर कंट्रोल कर देता है। उसके अलावा अगर आप लोग उलाला का लेते हैं UPL कंपनी का, उसको भी आप लोग 8 से 10 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर के टंकी में मिला करके छिड़काव करने पर बहुत ही आसानी से ये व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल कर देता है। उसके साथ साथ सेफिना को भी ले सकते हैं, BSF कंपनी का, उसको भी छिड़काव करने पर आसानी से कंट्रोल करता है। अब जो दूसरा कीटों का प्रकोप होता है भिंडी की खेती में वो होता है जब फल का सेटिंग होता है, उस समय आप लोगों को फल छेदक कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। फल जो है वो कुछ इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और किसान भाई का बहुत ही ज्यादा इसमें नुकसान पहुंचाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को इमामेक्टिन बेंजोएट और एक नोवालुरिन का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि गुंथार नाम पे आप लोगों को बाजार में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग 25 से 30 ml प्रति 15 से 16 लीटर के टंकी में मिला करके छिड़काव कर देने पर वो भी आसानी से कंट्रोल कर देता है। उसके साथ साथ अगर आप लोग थोड़ा सा महंगा दवा लेना चाहते हैं तो बायर का भाइगो को ले सकते हैं, 10 ml प्रति 15 से 16 लीटर के टंकी में मिला करके छिड़काव कर देने पर लगभग ये 15 से 20 दिन तक आसानी से ये कंट्रोल करके रखता है जो भिंडी का फल छेदक कीट होता है उसको। तो ज्यादातर और तो कीटों का प्रकोप नहीं होता है, थोड़ा बहुत एपिड वगैरह का जो प्रकोप होता है वो आप लोग इमिडाक्लोपीड को छिड़काव करने पर भी वो कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों भिंडी की खेती के लिए अगर आप लोग पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉफिट आप लोग भिंडी की खेती करके कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में भिंडी की खेती के रिलेटेड इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों का मन में कुछ डाउट है या फिर कुछ सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।